अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल की एग्जिट पोल की मानी जाए तो इस समय जो है जम्मू कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। जी हां, जिस तरह से आपको पता ही है कि जो असेंबली इलेक्शन है उनका जो है आखिरी चरण भी हो चुका है, बस अब जो है इंतज़ार है सिर्फ 8 तारीख का, क्योंकि 8 तारीख को इसका जो है फैसला होने जा रहा है। किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार, कौन होगा यहाँ का चीफ मिनिस्टर, कौन होगा यहाँ पे, कौन करेगा राज, क्योंकि काफ़ी समय बाद यहाँ पे चुनाव हुए थे। अब चुनाव के बाद जो है परिणामों का इंतज़ार है, तो उसी को लेके जो है अलग अलग किस्म के जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। कई जगह पे जो है हर चैनल जो ये प्रयास करने में लगा हुआ है कि हम ही अपना जो एग्जिट पोल है हमारा ही एक्यूरेट हो, हमारा ही सही हो, तो उसी को लेके आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा चैनल्स ने, बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्जिट पोल को जो है बना दिया है। और मैं बता दूँ कि एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल जो है ये इसमें मैक्सिमम 70-80% एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें कि किसी को भी पूरी बहुमत नहीं मिल रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल की अगर एग्जिट पोल की मानी जाए तो इस समय जो है जम्मू कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उठ के सामने आ रही है। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने उठ के आ रही है अलग अलग जो है चैनल्स की अगर मानी जाए तो। उसी को अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी से जो है PDP उसके बाद जो है दिख रही है। अगर बात की जाए जम्मू की तो जम्मू में, जी हाँ, मैक्सिमम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जम्मू की जो है लार्जेस्ट पार्टी जो है वो भाजपा ही रहने वाली है, BJP ही रहने वाली है, ये कहा जा रहा है एग्जिट पोल्स की अगर मानी जाए तो। खैर, 8 तारीख को तो हमारे सामने जो क्लियर हो जाएगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ पे जो है लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कश्मीर घाटी की बात अगर एग्जिट पोल की मानी जाए, कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू से भाजपा सामने आ रही है। वहीं इंजीनियर रशीद, आज़ाद इंडिपेंडेंट पार्टीज़ को भी कहीं एग्जिट पोल यहाँ पे जो है कहीं 5 दे रहे हैं, कहीं 7 दे रहे हो, कहीं 10 तक सीटें जो है इंजीनियर रशीद को भी दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस दफ़ा सरकार बनाने में सबसे अगर अहम योगदान अगर किसी का होगा वो होगा इंजीनियर रशीद का, क्योंकि काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं यहाँ पे, जो पार्टीज़ हैं कोई भी फुली मेजॉरिटी में सामने निकल कर नहीं आ रही है। इंडिपेंडेंट्स की, दूसरे तीसरे चौथों की जो है ज़रूरत पड़नी है सरकार बनाने की, मेजॉरिटी बनाने के लिए, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा कि आखिर सच में क्या एग्जिट पोल के जो ये रुझान है, ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, क्या ये वाकई में हकीकत होगा या फिर कोई एक ही पार्टी मेजॉरिटी में आती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बड़ा उलटफेर जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये देखने की बात रहेगी। 8 तारीख को जो है हमारे चैनल पे जो है नतीजे क्लियर सामने हो जाएंगे। हम प्रयास यही करेंगे कि अपने दर्शकों तक फटाफट जो है नतीजे पहुंचाए जाएं, तो यही हमारा प्रयास रहेगा। तो आप भी एक प्रयास कीजिएगा हमें जो है अपना प्यार देने का प्रयास। जी हाँ, जिस तरह से आप प्यार देते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार देना है सब्सक्राइब करके, तो वीडियो को जो है शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।